गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिश्को डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो अडानी ट्रांसमिशन, जिसे आप लोग अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हो, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन सॉरी। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके कल के लेवल्स कैसे रहेंगे, और साथ के साथ आपको पता है अभी 14 अगस्त काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है अडानी ग्रुप के लिए, और साथ में अडानी ग्रुप के लिए एक बैड न्यूज़ भी आई है जिसका इफेक्ट आप लोग देखोगे कल के दिन अडानी ग्रुप के ऊपर आ सकता है। क्या खबर आई है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में अडानी ट्रांसमिशन के कल के लेवल्स क्या रहेंगे जो अब अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। पहले तो यहाँ पर आप लोग देखोगे करंट प्राइस क्या है इसका, 831.70 रुपये, और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान आप लोग देखो तकरीबन 1.5% के करीब स्टॉक में तेजी बनी थी, और वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो 9.2 मिलियन की वॉल्यूम यानी लगभग 92 लाख के करीब स्टॉक में वॉल्यूम भी हमें देखने को मिली NSE और BSE दोनों के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूँ कुछ एक फंडामेंटल्स की, जैसा कि पी रेशो अगर हम देखें तो ये आप लोग देखोगे 74 पर थोड़ा सा हाई है, और इसके साथ जो आप लोग देखोगे RSI तो एक अच्छी रेंज में, मिड रेंज में, बट MFI थोड़ा हाई है जो 77 के आसपास है लगभग, तो ये थोड़ा सा हाई है, बट कुल मिला के देखो भी ठीक ठाक ही है। लेकिन कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, SEBI एक बड़ा एक्शन लेती हुई नजर आएगी। तो चलिए पहले इसके लेवल देखते हैं, उसके बाद आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे बैड न्यूज़ क्या है अडानी ग्रुप के लिए, और जो कल का जो पूरा का पूरा मामला 14 अगस्त का वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अडानी ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्या कुछ डाटा देखने को मिला है। प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 820, ओपन हुआ 822.90, फिर जो स्टॉक लो लगाया वो 818, यानी स्टॉक ने प्रीवियस क्लोजिंग को भी काटा, फिर स्टॉक में जो तेजी बनी ऊपर में 836 रुपये का हाई भी स्टॉक ने लगाया, यानी स्टॉक में तेजी भी बनी, गिरावट भी हुई, और एक अच्छी तेजी के साथ जो वो क्लोजिंग लेते नजर आए 831 के भाव पर। इन सबको देखते हुए मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे एक सेल ऑर्डर लगा हुआ है लगभग 4835 क्वांटिटी का। वहीं डिलीवरी पोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखोगे शानदार लगभग 54% के करीब डिलीवरी उठाई गई है NSE के अंदर। जो शेयर ट्रेड हुए वो तकरीबन 90,78,000 के आसपास, और जो डिलीवरी उठाई गई है तकरीबन 49 लाख के करीब, तो डिलीवरी भी ठीक उठी है। प्लस में आप लोग देखोगे छोटा सा सेल ऑर्डर जरूर है जो एक नेगेटिव संकेत दर्शाता है। तो चलिए जानते हैं अब चार्ट्स के ऊपर इसके लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे हमने निकाला इसका 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट, जिसके ऊपर आप लोग देखोगे स्टॉक एक स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस जोन है ऊपर में वो आप लोग देखोगे 841 से 847 रुपये, ठीक है। और जब ये शेयर ऊपर के लेवल से टूटा था तब मैंने आपको क्या बोला, नीचे में 768 रुपये का कोई भी स्टॉप लॉस लेकर स्टॉक में एंट्री ले सकते हो, ऊपर में टारगेट इसके रहेंगे 847 रुपये के। जब आप लोग देखोगे भी यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर गिरावट हुई थी, उसके बाद आप लोग स्टॉक में फिर से एक अच्छी रिकवरी बनी है, इस रिकवरी के चलते कल के दिन एक अच्छा मूवमेंट स्टॉक में बन सकता है, और वो मूवमेंट क्या होगा, वो होगा इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जी हाँ, कल के दिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है ऊपर में फिर ये शेयर एक जबरदस्त रैली आपको दिखा सकते हैं। तो चार्ट ने जबरदस्त यहाँ पर जो अभी संकेत दिए हैं कल के दिन, और यहाँ पर हमें जो अभी हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो अभी जो कि एक बियरिश पैटर्न है वो बनते हुए नजर आ सकता है, ठीक है। और कल के दिन लेवल का ब्रेक होना जरूरी है किसका, 841 रुपये का। अगर ये शेयर 841 को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है फिर स्टॉक में होगी एक जबरदस्त रैली, उसके बाद जो इसका सपोर्ट होगा वो आप लेके चलोगे नीचे में क्या, 810 रुपये का नीचे में सपोर्ट, और ऊपर में टारगेट इसके रहेंगे तकरीबन आप लोग देखोगे 900 रुपये के आसपास के। तो यहाँ से स्टॉक में एक जबरदस्त रैली बन सकती है कल के दिन, ध्यान रखना ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो रेजिस्टेंस इसका कल का क्या है, 841 रुपये का, ब्रेक होते ही स्टॉक में एंट्री बनेगी और नीचे में सपोर्ट आपको लेके चलना तकरीबन 810 रुपये के आसपास का। तो ये इसके लेवल रहेंगे, इन लेवलों के ऊपर आप कल के दिन फोकस कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए भाई अब जानते हैं जो दो खबरें रहती हैं वो, नंबर एक अडानी ग्रुप के लिए बैड न्यूज़, और नंबर दो SEBI का कल क्या एक्शन हो सकता है। तो आपको पता ही होगा भी कल के दिन अडानी हिडनबर्ग मामले के ऊपर SEBI अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवाएगी किसके अंदर, SC में, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का फिर उसके बाद आप लोग देखोगे फैसला आएगा जो अडानी ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा सही साबित भी हो सकते हैं और गलत साबित भी हो सकते हैं। अगर फेवर में गया अडानी हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट भेजेगी SEBI, उसका जो फेवर गया अडानी के पक्ष में गया तो अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी, अगर गई हिडनबर्ग के पक्ष में तो वहाँ से आप लोग देखोगे अडानी ग्रुप के में फिर से एक बार गिरावट आ सकती है, क्योंकि अभी भी आप लोग देखो हाई पी पे ट्रेड करिए अडानी ग्रुप के शेयर अभी भी, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा होगा हिडनबर्ग की रिपोर्ट में जो 24 जनवरी को आई थी उसमें यही बताया गया था कि सबसे बड़ा आरोप यही था कि अडानी के जो शेयर है वो ओवर वैल्यूड, और अडानी जी के द्वारा ही इनके अंदर जो ना भी बाहर से इसके अंदर
हैवी क्वांटिटी में जो माल है वो खरीदा गया है इन्हीं की कंपनियों के द्वारा, और जिसके चलते आप लोग देखोगे इन कंपनियों में जो सेल्स कंपनी होती है ना बाहर, वो कंपनियां यहाँ पर अडानी ग्रुप की ही वहाँ पर ऑपरेट करता था उनको, और उन्होंने जो ना पैसा लगाए और अपने शेयरों को मैनिपुलेट किया। तो ऐसे आरोप गंभीर आरोप थे उन्हीं के ऊपर। आप लोग देखोगे सेबी अब जाँच करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कल के दिन, उसके बाद उसका जो ना भी फैसला सुनाया जाएगा और फिर देखेंगे अडानी हिडनबर्ग के मामले में पूरा का पूरा मामला क्या है। तो चलिए अभी लॉन्ग टर्म के बारे में, तो कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं जो बैड न्यूज आई है वो क्या है अडानी ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अडानी ग्रुप के लिए जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि हिंदुस्तान की ऑफिशियल साइट पर हमें जो ना अभी अपडेट देखने को मिली है, जिसके अंदर यहाँ पर देखोगे अडानी ग्रुप के लिए बुरी खबर, ऑडिट करने वाली फर्म डिलॉयट ने छोड़ा साथ, कारण भी गिनाए। तो अडानी पोर्ट्स के जो भी जो ऑडिट करती है वो कंपनी डिलॉयट, ये कंपनी आप लोग देखोगे अडानी पोर्ट्स से रिजाइन दे दिया है और इनकी जगह पर आप लोग देखोगे न्यू ऑडिटर जो ना अभी आ चुके हैं, और नए ऑडिटर का नेम यहाँ पर आप लोग देखोगे MSKA & Associates, तो ये नए ऑडिटर का नेम है। तो ये वो बड़ी खबर है जिसके चलते आप लोग देखोगे अडानी ग्रुप के शेयरों में एक बड़ा जो ना अभी असर आ सकता है, क्योंकि पीछे में देखा होगा अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी टोटल गैस के जब ऑडिटर ने वहाँ से रिजाइन दिया तो अडानी ग्रुप के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली थी, अब यहाँ से रिजाइन दिया है तो अडानी ग्रुप के अंदर इसका भी जो ना भी नेगेटिव असर आ सकता है। थोड़ा संभल के चलना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि कल के दिन जो अपडेट्स आएंगी वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।